नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पारचा, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक विषय पर बात करने के लिए। ये विषय क्या है? हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी जी कहते हैं, राजनीति में 99% लोग राजनीति के शिकार हैं। लोग शिकार क्यों हैं? 1% लोग कामयाब क्यों हैं? इन दोनों में ऐसा क्या है कि 99% लोग तो नाकामयाब हो गए, शिकार बन गए, और 1% लोग कामयाब हैं? तो कामयाब लोग ऐसा क्या करते हैं और नाकामयाब लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो लोग नाकामयाब रह जाते हैं? जिस पद पे उन्हें पहुंचना चाहिए था उस पद पे नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा क्या करते हैं, क्या गलतियां करते हैं वो, या क्या उन्हें नहीं मालूम है जिसकी वजह से वो पिछड़ रहे हैं? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या करते हैं, ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से लोग राजनीति में पिछड़ते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग हमारे आसपास चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं। कामयाब होना, कामयाबी की हर किसी की अपनी परिभाषा होती है। आपके लिए परिभाषा कुछ और हो सकती है, मेरे लिए परिभाषा कुछ और हो सकती है, किसी और के लिए कुछ और हो सकती है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अमिताभ बच्चन का बेटा है, हो सकता है अभिषेक बच्चन आपकी नज़रों में कामयाब हो, लेकिन अभिषेक बच्चन को क्या लगता है कि वो कामयाब है? नहीं, वो कामयाब नहीं है, क्योंकि वो चाहता होगा कहीं ना कहीं कि उसके पिता के नाम के अलावा उसकी भी एक पहचान हो। आज राहुल गांधी सांसद है, करोड़ों लोगों के लिए वो कामयाब हो सकता है, लेकिन उसकी खुद की नज़रों में वो कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमारी जो इच्छाएं हैं ना, ये इच्छाएं हमें कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। लेकिन 99% लोग इच्छाएं तो रखते हैं, लेकिन कामयाबी की तरफ चलने के लिए वो मेहनत नहीं करते, सीखना नहीं चाहते। सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करने की। लोग यही नहीं करते, अपने लोग, अपने पैसा, अपना समय, अपने संसाधन सब कुछ लगा देते हैं राजनीति में कामयाब होने के लिए, लेकिन कुछ समय और कुछ पैसा अपने ऊपर सीखने पर नहीं लगाते। अपने ऊपर सीखना क्यों क्यों ज़रूरी है? क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना ज़रूरी है? क्योंकि हर राजनेता अपने साथ चापलूस लोग रखना पसंद करता है, चापलूस लोगों को रखना पसंद करता है। क्यों रखना पसंद करता है? क्योंकि उसे डर है कहीं उससे कोई ज़्यादा समझदार आ गया, उससे काबिल आदमी आ गया, वो उसकी जगह ले लेगा। ऐसे लोगों को अपने साथ रखते ही नहीं है। ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हैं जो लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, चाहे वो पैसे से कमज़ोर हों, ताकत में कमज़ोर हों, उन्हीं लोगों को अपने आसपास रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। किसी समझदार, पढ़े लिखे, और किसी पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है समझदार होने के लिए, लेकिन वो ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखते जो काबिल होते हैं। उन्हें डर है, ये सताता रहता है कहीं उनकी कुर्सी ना छिन जाए, इसलिए वो उन्हें आगे आने के मौके ही आगे मतलब देते ही नहीं, आगे आने ही नहीं देते। वो चाहते ही नहीं अगर उनकी टीम में या उनके पार्टी में कोई लोग आ जाते हैं, कोई लगता है कि हाँ ये इससे ज़्यादा कामयाब आदमी है या ये ज़्यादा समझदार है, ये मेरी कुर्सी छीन सकता है, तो उसे नीचे के लेवल पे पिटवा देते हैं और वो बेचारा शिकार बन जाता है। उसे कहते हैं कि यार तुझे काउंसलर तो जीतने गया, विधायक का खाक बनेगा। दोस्तों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि अपने ऊपर काम करो, अपने सीखने पर काम करो। आप सीखोगे तो समझोगे राजनीति को, और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कंपटीशन बहुत है। आप अपनी कुर्सी छोड़ो, हज़ारों लोग आके तैयार मिलेंगे आपको आपकी कुर्सी लेने के लिए, तो इसमें कंपटीशन बहुत तकड़ा है। लेकिन वही इस पे डटा रहेगा जो अपने आप को इम्प्रूव करता रहेगा, समय के साथ साथ अपने आप को डेवलप करता रहेगा, सीखता रहेगा नई नई चीज़ें, नई नई जानकारी। ये जो लोग शिकार बनते हैं, मुझे इन पर तरस आता है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे मंच पे बोलना सीखना है, लेकिन मंच पे बोलना सीखने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अब उसके क्या इंजेक्शन लगाया जाए,
क्यों मंच पे कैसे बोलना सीखेगा भाई, मंच पे बोलने के लिए मंच पे चढ़ना पड़ेगा और तुझे बोलना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुम्हारी जगह पर मैं चढ़ जाऊँ या कोई और चढ़ जाए और तुम्हारी जगह पे बोल ले और इम्प्रूव तुम करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। मंच पे बोलने के लिए मंच पे खुद ही चढ़ना पड़ेगा, अपने मुँह से ही बोलना पड़ेगा, कोई टेप रिकॉर्डर ऑन नहीं करना, नहीं तो तुम नहीं बोलोगे। तुम कभी भी इस अपनी जो कमी है उसे डेवलप नहीं कर पाओगे, कामयाब नहीं हो पाओगे। दोस्तों अपने ऊपर काम करो, शिकार होने से बचो। आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथी, जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में कुछ नया करना चाहते हैं और जिन्हें लगता है कि वो अभी जो लोग राजनीति में हैं या विधानसभा लोकसभाओं में बैठे हैं उनसे ज़्यादा काबिल हैं और वो साबित कर सकते हैं कि वो काबिल हैं, तो वो लोग अखिल भारतीय परिवार पार्टी में जुड़ सकते हैं। मैं राहुल पारचा भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मौका दिया जाए, लेकिन आपको भी साबित करना पड़ेगा कि आप लोग काबिल हैं। इंटरव्यू देना पड़ेगा, ऑडिशन देना पड़ेगा। जितना पैसा आप अपने शिकार होने पर खर्च करते हो उससे बहुत कम पैसा आपको अपने सीखने पर लगाना है और आप लोग भी कामयाब हो सकते हो। राजनीति को जो लोग कहते हैं ना, राजनीति दलदल है, कीचड़ है, ये वही लोग कहते हैं जिन्हें अपनी कुर्सी खोने का डर है, वो काबिल लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते। दोस्तों मैं राहुल पारचा भारतीय आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप सभी लोग जिन्हें लगता है कि वो काबिल हैं, राजनीति में आ सकते हैं, उन लोगों से बेहतर हैं जो अभी राज्यसभाओं, लोकसभाओं, विधानसभाओं में बैठे हैं, तो आए। मैं राहुल पारचा भारतीय आप सभी का स्वागत करता हूँ अखिल भारतीय परिवार पार्टी में। आप सभी को मेरा नंबर मैं दे देता हूँ, 8860739055, 8860739055, ये मेरा नंबर है। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेनी हो आप ले सकते हैं, मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। जय भारत।